हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आज दो बहुत अच्छे ट्रेलर आए हैं। एक का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें भारत माता के जज्बे को लेके मतलब जबरदस्त है, मतलब गूज़बम्प्स वाली कहानी है। और दूसरा हमने देखा दोस्तों 14 फेरे, जो कि Z5 के ऊपर रिलीज होने वाली मूवी है। आज इन दोनों के ट्रेलर आए हैं और ये दोनों बहुत अलग अलग जॉनर की है, तो फटाफट से हम इनका रिव्यू करेंगे कि इनके ट्रेलर्स कैसे रहे और इनकी प्रेजेंटेशन कैसी रही, गूज़बम्प्स आए कि नहीं आए, एक्टिंग कितनी दमदार थी। तो पहले शुरू करते हैं दोस्तों भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। अब भुज द प्राइड ऑफ इंडिया सब लोगों को पता है कि ये जो है सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है, जहां पर विजय कार्निक ने 300 महिलाओं को हेल्प लेके लोकली ऐसा रनवे बनाया था जो कि पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो वापस से अपनी फ्लाइट ले पाए थे और पाकिस्तान की चटनी बनाई थी। अब दोस्तों, जिस तरीके की प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुई है और अजय देवगन ने जिस तरीके से अपने डायलॉग्स को डिलीवर किया है, वो मैं ये बोलूंगा कि उसके अंदर भारत माता का जज्बा भी है और कहीं ना कहीं वो फिल्मी भी है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करे गए हैं। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अगर आप थिएटर्स के अंदर होते हो तो फटाफट उठ के सीटी मार देते या फिर भारत माता के मतलब सम्मान के अंदर मतलब लिटरली खड़े हो जाते। और जिस तरीके से संजय दत्त का थोड़ा सा रोल रहा है, थोड़ा सस्पिशियस सा रहा है, वो मुझे अच्छा लगा। और शरद केलकर की तो आवाज में इतना दम लगा, मुझे काफी इंप्रेसिव रोल होना चाहिए उनका। नूरा और साक्षी का मैं ये बोलूंगा, शायद काफी लोगों ने नोटिस भी किया होगा, अगर आपने किया तो कमेंट करके भी बताना, मेरे को काफी ढीला कैरेक्टराइजेशन इनका लगा है दोनों के दोनों का। जिस तरीके का स्ट्रांग विमेन प्रोटैगनिस्ट चाहिए था यहां पर, स्पेसिफिकली सोनाक्षी सिन्हा का, क्योंकि वही है जो ये 300 विमेन को लोकली लेके आती है और हेल्प करती है अजय की यानी विजय कार्निक को, ताकि वो रनवे बन पाए। उसके लिए एक अलग ही तरीके का कैरेक्टर चाहिए होता है, जो कि एक लीडर होता है, उसकी आवाज में मतलब इंस्पायर करने की शक्ति होती है, वो मुझे सोनाक्षी सिन्हा में दिखी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और नूरा जिस तरीके से अपने डायलॉग्स डिलीवर कर रही है, वो बिल्कुल अंडर प्रिपेयर्ड लगी, सॉरी। तो मुझे बहुत ही एक्सट्रीम तरीके का एक्सपीरियंस हुआ फ्रॉम एन एक्टिंग परस्पेक्टिव, जहां पर अजय देवगन और लेट्स से शरद केलकर और इवन संजय दत्त बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगे, और वहीं पर ही मुझे नूरा और सोनाक्षी बहुत ही ज्यादा मतलब ढीली लगी। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मैं विमेन को स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्गर रोल में यहां पर देखना चाह रहा था, क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटी थी। अब दोस्तों आते हैं इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन में काफी लार्ज स्केल की मूवी लग रही है, जिस तरीके का पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और जिस तरीके के वो एरियल शॉट्स लिए गए हैं, ये दोस्तों किसी भी एंगल से सस्ती मूवी नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि हमें ये टीवी के ऊपर देखनी पड़ेगी, ये लार्ज स्केल की है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये जो गूज़बम्प्स वाली कहानी है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, मैंने वेट भी नहीं करी कि गूज़बम्प्स दोस्तों आए, और जिस तरीके के डायलॉग्स हैं जबरदस्त है, जिस तरीके से डिलीवर किया गया है अजय देवगन की हस्की वॉइस के अंदर, एक एक डायलॉग बहुत ज्यादा प्यारा है। तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है, क्या मतलब दम देखिए उसके पीछे कितना जबरदस्त है, और ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने डायलॉग से ही, अपने जज्बे से ही दूसरे का जो हौसला आधा तो पस्त कर देते हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों इसको थम्सअप है, थम्सअप इसलिए दे रहा हूँ, कोई स्कोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा यह मानना है दोस्तों कि जब कभी भी देशभक्ति से भरी हुई मूवीज, ट्रेलर या इस तरीके की कोई भी नरेशन आती है, तो वो स्टोरी जानना ज्यादा जरूरी होता है, ना कि उसका क्रिटिकल व्यू पॉइंट करें, उसको चीरहरण करें। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे ट्रेलर की तरफ, जो कि आया 14 फेरे, जो कि फन लविंग दो कपल की कहानी है। अब ये जो दो कपल है, ये है कीर्ति खरबंदा और विक्रांत मेसी, जो कि कॉलेज के अंदर मिलते हैं, एक आपस में खिंचातानी थोड़ी बहुत होती है, प्यार भरी, और उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि शादी करनी है। लेकिन शादी में आ जाती है अड़चने, और अड़चने होती है मां बाप की साइड से, जिनको लव मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब कानपुर का लड़का और जयपुर की जटनी क्या करेगी अपनी शादी करवाने के लिए, इसी की कहानी, क्योंकि मां बाप तो है खिलाफ, और इसके लिए वो किस तरीके के जुगाड़ करते हैं, किस तरीके के नकली मां बाप लाते हैं, किस तरीके की नई नई शादियां कराते हैं, 2x धमाल होने वाला है, जो कि यहां पर दिखा भी। मैं वैसे भी काफी ज्यादा इंप्रेस हूं दोस्तों विक्रांत मेसी की एक्टिंग से, क्योंकि जिस तरीके का रोल उन्होंने निभाया है हसीन दिलरुबा के अंदर, तो दिल ही जीत लिया, मतलब काफी ज्यादा टैलेंट है लड़के के अंदर, चाहे शरीर दुबला सा है, ही इज जस्ट लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर, लेकिन काम दोस्तों एक्टिंग के मामले में कैमरा के सामने काफी अच्छे कर देते हैं। तो जितने भी मैंने सीन देखे, कीर्ति खरबंदा के लिमिटेड डायलॉग्स हैं, बट ही इज लुकिंग गुड। विक्रांत मेसी हैज गॉट मोर स्क्रीन स्पेस, मोर डायलॉग्स, सो ही इज लुकिंग वेरी वेरी इंप्रेसिव अगेन। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड इट विल गेट रिलीज ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ ऑन Z5। तो दोनों ही अपने अलग अलग जॉनर की हैं, एक भारत माता की जय बोल रही है और एक बोल रही है कि मस्ती मजाक में किस तरीके से दो प्यार करने वाले मिलते हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया दोस्तों रिलीज होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर, कब होगी, 13th ऑफ अगस्त को, और 14 फेरे ये रिलीज होगी दोस्तों 23 जुलाई को, और ये रिलीज होगी Z5 को, नोट कर लो। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना,
नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके की मिलती रहेगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वी शैल मीट वेरी वेरी सून। बाय बाय।